सबसे पहले तो हम लोग खेत का कोई नियम कानून नहीं जानते थे। उसके बाद जितना झाड़ी उड़ी रहता था उसको साफ सफाई करते थे। उसके बाद खेत को जुताई करके भुरभुरा माटी करते थे और कोई नियम कानून भी नहीं जानते थे और इसी में आलू लगा देते थे। आलू के खेत को पहले से हम लोग 4 बार जुताई करके आलू को पट्टा बना के नाली में 6-6 इंच के अंजाद में रोपते थे। सबसे पहले जुताई करते हैं, उसके बाद गोबर छिड़काते हैं, उसके बाद नाला बना के उसके बाद काट के लगा देते थे। उतना मालूम नहीं था कि बड़ा छठ। 2 दिन के बाद आपका खेत पूरी तरह से आलू के रोपाई के लिए तैयार है। अब आप 15 दिन पहले बनाई गई ट्राइकोडर्मा मिली हुई सड़ी हुई गोबर की खाद को हर एक नाली में डालें। अब आप अपने उपचारित एवं अंकुरित बीजों को 8-8 इंच की दूरी पर इन नालियों में लगाएं। बीज को लगाने के बाद उस पर मिट्टी को सावधानी पूर्वक ऐसे रखें जिससे कि ज्यादातर अंकुर ऊपर या फिर बगल में रहें। मेड़ की ऊंचाई कम से कम 6 इंच जरूर होनी चाहिए। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि क्यारी हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर ही बनाएं, क्योंकि इससे हवा से फैलने वाली बीमारियों से पौधों का बचाव होता है। इस प्रकार आप भी अपने खेत की विधि पूर्वक तैयारी कर एवं उसमें बीज लगाकर अपने आलू के फसल की उपज को बढ़ा सकते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आलू की खेती में सिंचाई प्रबंधन कैसे करते हैं। तब तक आप सभी लोग अपने अपने खेतों को तैयार करके उसमें विधि पूर्वक आलू के बीज को लगा लीजिएगा। आलू लगाने के लिए खेत में 1.5 फीट की दूरी पर 5 से 8 फीट लंबी क्यारियां बनाएं। बीज लगाने से पहले सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ साथ ट्राइकोडर्मा मिली हुई गोबर की खाद नालियों में डालें। उपचारित एवं अंकुरित बीजों को 8-8 इंच की दूरी पर लगाएं। बीज की बुआई के समय ट्राइकोडर्मा मिश्रित गोबर की खाद को हर नाली में डालें। इससे आलू की फसल को झुलसा बीमारी से बचाया जा सकता है और पौधों का विकास भी अच्छे से होता है।